ऑयल भारतीय कुकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आप कौन सा कुकिंग ऑयल यूज करते हैं? क्या आप सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल या ऑलिव ऑयल तो नहीं यूज करते? अगर हाँ तो देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कुकिंग के लिए बेस्ट ऑयल। आइए तो फिर शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। कौन सा है बेस्ट कुकिंग ऑयल भारतीय मार्केट में? हम भारतीय खाना बनाने के लिए कुकिंग ऑयल का खूब इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हेल्दी ऑयल को यूज करना बहुत जरूरी है। वहीं अगर आप रोज रोज अनहेल्दी ऑयल्स में खाना पकाएंगे तो यही ऑयल आपका वेट गेन, हार्ट में ब्लॉकेज, डायबिटीज, यहाँ तक कि कैंसर तक का कारण बन सकता है। अगर आप मुझसे पूछें कि यार कौन सी है वो एक चीज जो मैं अपने खाने में बदलूं कि मेरी हेल्थ इंप्रूव हो जाए, तो मेरा जवाब होगा कि जिस ऑयल में आप खाना पकाते हो वो बदल दो। आइए सबसे पहले बात करते हैं रिफाइंड ऑयल्स की। ये बड़े दुख की बात है कि भारत में 90% से भी ज्यादा लोग आजकल रिफाइंड ऑयल्स में खाना बनाते हैं। ज्यादातर जो भी सनफ्लावर, राइस ब्रान, ग्राउंडनट, सोयाबीन ऑयल भारतीय मार्केट में मिलता है वो रिफाइंड ऑयल होता है। लेकिन रिफाइंड ऑयल्स में प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों, सुनने में रिफाइंड भले ही बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा लगता हो, लेकिन मेडिकल टर्म्स में रिफाइंड ऑयल का मतलब है स्पॉइल्ड ऑयल। जी हाँ, खराब ऑयल। रिफाइनिंग मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है। सबसे पहले ऑयल को 200 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर पे केमिकल सॉल्वेंट्स, यहाँ तक कि हेक्सेन गैस का इस्तेमाल करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से ऑयल में मौजूद विटामिन्स एंड मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। ऑयल के हेल्दी फैटी एसिड्स टूट जाते हैं और ट्रांस फैट्स बनने लगते हैं। प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं होता। ऑयल को दोबारा हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है ताकि ऑयल का टेस्ट न्यूट्रलाइज किया जा सके और ऑयल की खुशबू खत्म हो जाए। लास्ट में TBHQ जैसे हार्श प्रिजर्वेटिव्स और डाइमिथाइल सिलोक्सिन जैसे एंटी फोमिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, ऑब्वियसली ताकि लंबे समय तक चल सके और गर्म करने पे झाग ना बने। आखिर में जो बचता है वो होता है कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस और न्यूट्रिशनलेस लिक्विड। ऑयल की चिकनाई भी काफी हद तक खत्म हो चुकी होती है उसमें। ये सो कॉल्ड हार्ट हेल्दी रिफाइंड ऑयल्स फिर पैक करके बेच दिए जाते हैं। कोई सा भी ऑयल हो, एक बार अगर वो इस रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजर गया तो अपनी सारी नेचुरल प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है। हेल्दी फैट्स ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिकली ऑयल बिल्कुल खराब हो जाता है। मैक्सिमम लोग आजकल इसी रिफाइंड ऑयल को दिन में 3-4 बार खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर आपके किचन में रिफाइंड ऑयल है तो उसे खिड़की से बाहर फेंक दें। तो फिर क्या यूज करें? ऑलिव ऑयल। वैसे आजकल जो लोग थोड़े बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं वो ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करने लगे हैं। यूरोपियन यूनियन की जबरदस्त मार्केटिंग के चलते आजकल आपको इंडियन सुपरमार्केट्स में ऑलिव ऑयल की भरमार मिल जाएगी। लेकिन क्या ऑलिव ऑयल हेल्दी है? बिल्कुल, ऑलिव ऑयल हेल्दीएस्ट ऑयल्स में से एक है, नो डाउट। लेकिन भारत में रहते हुए मैं आपको बिल्कुल भी ऑलिव ऑयल यूज करने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। इसके 3 कारण हैं। पहला तो यही कि ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। 1 लीटर ऑलिव ऑयल 1200 रुपए से भी ज्यादा होने की वजह से रोज रोज ऑलिव ऑयल में खाना पकाना ज्यादातर लोगों के बजट में नहीं है। दूसरा, ऑलिव ऑयल की इतनी ज्यादा बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते इसके एडल्ट्रेशन के भी काफी केसेस देखे जा चुके हैं। कुछ टेस्ट ने तो यहां तक रिवील किया है कि 60-80% तक इंपोर्टेड ऑलिव ऑयल एडल्ट्रेटेड है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलिव ऑयल भारतीय रेसिपीज के साथ अच्छे से ब्लेंड नहीं होता। मतलब सोच के देखिए, आप आलू के पराठे ऑलिव ऑयल में बनाएं तो कैसा टेस्ट आएगा? ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप पास्ता, सैलेड्स या बाकी कोई स्पेनिश या मेडिटेरेनियन डिशेस बना रहे हो, लेकिन इंडियन डिशेस के लिए ना। सो हमें पता लग गया कि क्यों रिफाइंड ऑयल्स हेल्थ के लिए इतने खराब हैं। मैं भारतीय कुकिंग के लिए आपको ऑलिव ऑयल तक रेकमेंड नहीं कर रहा। सो है ऐसा कोई ऑयल भारतीय मार्केट में जो हेल्दी हो, हमारी डिशेस का फ्लेवर भी बढ़ाए और हमारी जेबें भी ना काटे? जी हाँ बिल्कुल, कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड तिल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और नारियल का तेल बेस्ट ऑयल्स हैं आपके लिए। रिफाइंड नहीं बल्कि कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड, या जिसे हम भारतीय कहते हैं कच्ची घानी तेल, बेस्ट है इंडियन कुकिंग के लिए। कोल्ड प्रेसिंग एक एंशिएंट टेक्निक है जिसमें सीड से ऑयल निकालने के लिए हीट का इस्तेमाल नहीं होता। इससे ना ही सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स नष्ट नहीं होते बल्कि ऑयल की खुशबू और फ्लेवर भी बरकरार रहता है। इस टेक्निक से ऑयल निकालने के लिए बेस्ट क्वालिटी सीड्स का इस्तेमाल होता है और इसी वजह से ऑयल जो निकलता है वो भी हाई क्वालिटी होता है। ये सभी ऑयल्स का स्मोकिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है, जिसकी वजह से इन्हें डीप और शैलो फ्राइंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। किसी भी ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर ऑयल के फैटी एसिड बॉन्ड्स टूटने लगते हैं और ऑयल खराब हो जाता है। यहाँ जरूरी होगा कोकोनट ऑयल की कंट्रोवर्सी पे बात करना। कुछ साल पहले रिफाइंड ऑयल कंपनीज द्वारा एक बड़ा मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च हुआ था कोकोनट ऑयल के अगेंस्ट। उनका कहना था कि
कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट बहुत हाई है, जिसकी वजह से ये अनहेल्दी है। लेकिन फिर रिसर्च से पता चला कि हाँ, जरूर ये बात सच है कि कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट हाई होता है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का सैचुरेटेड फैट है जिसे मीडियम चेन फैटी एसिड्स कहा जाता है, और ये मीडियम चेन फैटी एसिड्स ह्यूमन बॉडी के लिए हेल्दी है। आज 1500 से भी ज्यादा स्टडीज ने इस बात को प्रूव किया है कि कोकोनट ऑयल दुनिया के हेल्दीएस्ट फूड्स में से एक है। केरला और तमिलनाडु में तो सदियों से लोग कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और सर्वेस बताते हैं कि उनके ब्रेन्स और हार्ट्स एक्चुअली काफी हेल्दी हैं। एक और कंट्रोवर्सी हुई थी सरसों के तेल को लेकर। सरसों के तेल में क्योंकि 47% इरुसिक एसिड होता है, इस वजह से इसे भी टारगेट किया गया था। यूएसए, कनाडा और यूरोप में तो इसे खाने के लिए बैन कर दिया गया है। इस बैन का कारण था एक स्टडी जो लेबोरेटरी रैट्स पे कंडक्ट की गई थी। इन चूहों को काफी हाई क्वांटिटीज में सरसों का तेल पिलाया गया, जिसकी वजह से इनके हार्ट में प्रॉब्लम्स देखी गई। लेकिन ह्यूमंस में आज तक सरसों के तेल के कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। मस्टर्ड ऑयल भारत के उत्तर और पूर्वी इलाकों में और इवन बांग्लादेश, चाइना और कोरिया में सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टर्स ने जब इसे एक स्टडी में बाकी ऑयल्स के साथ कंपेयर किया, इंक्लूडिंग ऑलिव ऑयल, तो पता चला कि सरसों के तेल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशो सबसे बेहतर है। यही तो इसे हार्ट हेल्दी बनाता है, और ऊपर से इसका स्मोकिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अक्सर ही डीप फ्राइंग के लिए सरसों के तेल का ही इस्तेमाल होता है। कच्ची घानी सरसों का तेल बड़ी आसानी से भारतीय मार्केट में अवेलेबल है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बजट फ्रेंडली भी है। भारत में रहते हुए आप इन चारों में से कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग इन्हीं ऑयल्स का ही इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे विदेशी मार्केटिंग कैंपेन्स के चलते हमने इन ऑयल्स को बंद कर दिया और रिफाइंड ऑयल्स और ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना ब्रेन वॉशिंग हो सकता है एक मार्केटिंग कैंपेन। भारत में तो खाना बनाने के लिए कौन सा ऑयल यूज करना है, ये डिपेंड करता था कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। जैसे केरला तमिलनाडु से हैं तो कोकोनट ऑयल, आंध्र और राजस्थान में तिल का तेल, नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में सरसों का तेल, सेंट्रल इंडिया गुजरात में मूंगफली का तेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप ध्यान से देखें, ना ही सिर्फ ये ऑयल्स इन रीजन्स के क्लाइमेट्स को सूट करते हैं, बल्कि यहाँ लोकली पकाए जाने वाली डिशेस के फ्लेवर को भी बढ़ाते हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने भारतीय मार्केट में अवेलेबल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो अधूरी है अगर मैं घी के बारे में बात ना करूं। सभी ऑयल्स में सबसे ज्यादा स्मोकिंग पॉइंट घी अनडाउटेडली बेस्ट है हर तरह की कुकिंग के लिए, इवन डीप फ्राइंग। क्या आपको पता है कि किसी भी ऑयल को एक बार यूज करके दोबारा यूज नहीं करना चाहिए? लेकिन घी को छोड़ के, घी इकलौता ऐसा ऑयल है जिसमें आप डीप फ्राई करके दोबारा भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि घी से मोटे होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो प्लीज ये डिटेल वीडियो देखें जो मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे बनाई थी। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि अमेरिका में घी को क्लैरिफाइड बटर के नाम से प्रीमियम कुकिंग ऑयल का दर्जा दिया जा चुका है। वहां के डॉक्टर्स कॉफी में 2-3 चम्मच घी डाल के पीने की सलाह दे रहे हैं। बस घी का एक ही डाउनसाइड कह सकते हैं कि रोज रोज घी में खाना पकाना शायद सब लोग अफोर्ड ना कर सकें, लेकिन अफोर्ड कर सको तो क्या बात है। और जब मैं घी कह रहा हूं तो मेरा मतलब है देसी काऊ घी, जर्सी नहीं, या फिर आप भैंस का घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को समराइज करूं तो रिफाइंड ऑयल्स खाना पकाने के लिए सबसे बेकार ऑयल्स हैं। मेरे हिसाब से तो इन्हें बैन ही कर देना चाहिए। ऑलिव ऑयल हेल्दी तो है, लेकिन इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग के लिए सूटेड नहीं है, और कॉस्टली तो है ही। तिल, सरसों, मूंगफली और नारियल के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स बेस्ट हैं इंडियन कुकिंग के लिए। घी एक्सपेंसिव है, लेकिन हर तरह की कुकिंग के लिए हेल्दी है। इसलिए दोस्तों, आज से ही कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ने का ये शायद सबसे इजीएस्ट स्टेप है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाना। दोस्तों, अगर आप एक जेन्युइन मल्टीविटामिन सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिग मसल्स न्यूट्रिशन का सुपर फूड ग्रीन्स एंड फ्रूट्स एक अच्छा ऑप्शन है भारतीय मार्केट में। इसमें 40 से भी ज्यादा ऑर्गेनिक नेचुरल फूड्स, जिसमें ग्रीन्स, स्प्राउट्स, 23 फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बाकी हर्ब्स डाले गए हैं, जिससे अगर आप कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी फेस कर रहे हैं तो फायदा ले सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसका एक स्कूप पानी में मिक्स करके खाली पेट पिएं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव या स्टेबलाइजर्स नहीं डाले हुए, इसीलिए शायद इसका टेस्ट बिल्कुल नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसा ही है। बिग मसल्स न्यूट्रिशन का ये प्रोडक्ट है नॉन GMO, ग्लूटेन फ्री, सोय फ्री और वीगन भी। इसे मेन और वेमेन दोनों यूज कर सकते हैं। बिग मसल्स न्यूट्रिशन का सुपर फूड ग्रीन्स एंड फ्रूट्स खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे एट 11 AM एक Q&A सेशन करता हूं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।